रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाना मानसा शहजादी, गौहर पब्लिशर्स में खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रिडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू क्लास 5 पढ़ रहे हैं। आज हम इसका सबक नंबर 22 काबली अनार पढ़ रहे हैं। आज हम इसकी मश्क करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसके हासलाते तौलम, उसके बाद चलेंगे अपनी मश्क की तरफ। हासलाते तौलम, इस सबक की तदरीस के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कहानी, नज़्म, वाक़या दुरुस्त तलफ़ुज़ और लबो लहजा के साथ बयान कर सकें। 1 से 100 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकें। मश्क, दिए गए अल्फाज के मानी समझें और जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज मानी, ईमानदार, दयानतदार, आओ भगत, खातर तवाजा, बस यार, बहुत ज़्यादा, परहेजगार, मुत्तकी, गहवारा, पालना, झूला, तबीब, इलाज करने वाला, गिला, शिकायत, शिकवा, आओ भगत, मेहमान नवाजी, मुख्ताज, मुफलिस, गरीब, लड़कपन, बचपन, आओ समझें, खाली जगह पुर करें, बादशाह का नाम औरंगज़ेब था, औरंगज़ेब हिंदुस्तान पर 50 साल तक हुक्मरान रहा, बादशाह ने अपने दोस्त की खूब आओ भगत की, मेरे पास काबली अनार हैं, अल्लाह ताला हलाल कमाई में कितनी बरकत देता है, दुरुस्त पर गुड और गलत पर क्रॉस लगाएं। औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुस्तान का 6ठा मुग़ल बादशाह था, दुरुस्त, औरंगज़ेब आलमगीर ने हिंदुस्तान पर 30 साल हुकूमत की, गलत, बादशाह की दोस्ती एक कश्मीरी अमीरजादे से हो गई, दुरुस्त, बस यार, कोशिश किए हमें काबली अंगूर नहीं मिले, गलत, काबली अनार का रस पीते ही बीमार के चेहरे पर रौनक आ गई, दुरुस्त। सवालों के जवाब लिखें। औरंगज़ेब आलमगीर कैसे किरदार का मालिक था? वो बड़ा ईमानदार, दीनदार और परहेजगार बादशाह था। औरंगज़ेब आलमगीर कितने बरस हिंदुस्तान पर हुक्मरान रहा? औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुस्तान पर 50 साल तक हुक्मरान रहा। औरंगज़ेब आलमगीर की दोस्ती किससे हो गई? लड़कपन में औरंगज़ेब आलमगीर की दोस्ती एक कश्मीरी अमीरजादे से हो गई। बादशाह का दोस्त इसके पास दिल्ली क्यों आया? बादशाह का दोस्त बहुत मुहताज हो गया था और वह अपने दोस्त बादशाह के पास मदद की गरज से आया था। अपने दोस्त को आलमगीर ने थोड़ी रकम क्यों दी? औरंगज़ेब आलमगीर ने अपनी हलाल की कमाई से थोड़ी रकम देकर अपनी तरफ से छोटी सी नेकी की थी। अल्फाज साजी, दर्जा ज़ैल को उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिखें, जैसे 13, 17, 23, 29 वगैरह। प्यारे बच्चों, आप इनको उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में इस तरह से लिख सकते हैं। आओ बात करें, जमात के कमरे में सुनी गई कहानी को दुरुस्त तलफ़ुज़ और लबो लहजा के साथ दोस्तों को सुनाएं। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में हमने सीखा कि अगर कोई कहानी या नज़्म हम बहुत गौर से पढ़ते हैं तो उसके मुतल्लिक अगर कोई भी हमसे किसी भी किस्म का सवाल पूछता है तो हम उसको आसानी से जवाब दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने सीखा कि हमने गिनती को हिंसों और लफ्ज़ों में कैसे लिखना है। इसके साथ ही जो कहानी हमने सुनी है उसको अपने दोस्तों में बैठकर किस तरह से बयान करना है ये भी सीखा। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।